ये पत्थर हटा के ये सलीपाट सही में क्लियर करना है ना। ये वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन। तो आ गए फाइनली गाइस राम जी मंदिर, और यहाँ पर मस्त जाहिर देते हैं फिलहाल। गाइस कंट्रोल रूम के सब वायरिंग वगैरह हो गई है भाई, नीचे यहाँ पे वायरिंग कर दी है। कहाँ से हो आप? ऐसे अहमदाबाद से हो? पहुँच गए कड़ी के 400 साल पुराने हनुमान टेम्पल। तो फिलहाल करते गाइस मस्त दर्शन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस आज अर्ली मॉर्निंग गाइस। तो चल रहे फिलहाल सुबह सुबह गाइस महादेव टेम्पल हमेशा की तरह। गाइस आज मेरे पापा की तिथि, आज है उनका मरण दिन। तो हाँ फिलहाल चलते हैं महादेव टेम्पल और फिर चॉकलेट वगैरह देते हैं और कोक भी बांटेंगे। तो हाँ पहुँच गए महादेव टेम्पल। फिलहाल मस्त चॉकलेट ले ली थी हमने। तो फिलहाल गाइस पहुंच गए थे घर एंड फिलहाल नानी बना रहा है चाय नाश्ता वगैरह तैयारी कर रहे हैं एंड मम्मी को फिलहाल लेट हो गए, मम्मी जा रही है स्कूल। चॉकलेट मैंने मम्मी को दे दिए बिकॉज बच्चे खाएंगे स्कूल में। स्कूल में गाइस बच्चों के लिए ले जा रहे हैं, मंदिर में दूसरी दे देंगे। तो मम्मी स्कूल जा रही है तो उनके साथ ही चलते हैं। मम्मी ने कुछ फूड पैकेट वगैरह भी लिया है बच्चों के लिए। तो हाँ ओके, ओम नमः शिवाय। गाइज मम्मी जा रही है रास्ते में हमको छोड़ कर। तो गाइज मंदिर प्रसाद दे दी थी हमने, चलते फिलहाल। गाइज बारिश स्टार्ट हो गई, ऑटो मिल नहीं रही तो चलती पकड़ी मैंने तो भाई। चलते फिलहाल आगे से ऑटो मिलती है तो बैठ जाएंगे ऑटो में। पूरे छीटे पड़े तेज, मतलब हो नहीं रही, थोड़ी देर पहले तेज हो रही थी बट अभी धीमी हो गई है भाई। बारिश के मौसम में गाइज वॉकिंग करने में जो मज़ा है भाई, क्या मज़ा आ गया। बट पैर थोड़ा गंदे हो गए वो अलग बात है, बट मज़ा आ गया। चलते फिलहाल सुबह सुबह वॉकिंग करते करते फाइनली गाइस कंटिन्यू करें ब्लॉग हमारे शाम के टाइम पे। वो कर को गाइस थोड़ा एडिटिंग वगैरह का सीन सुन रहा और आराम किया थोड़ा। तो हाँ कंटिन्यू करें फिर से गाइस शाम के टाइम पे ब्लॉग हमारा। तो अभी फिलहाल गाइस हम आज मेरे पापा की तिथि, गाइस पंछियों के लिए थोड़े से दाने लेने जाना है तो वो दाना लाकर हमें देना है मंदिर में। तो फिलहाल चलते हैं एंड फिर हम जाएंगे गाइस रेलवे स्टेशन। बिकॉज गाइस बहुत लोगों की डिमांड है, काफी टाइम से दो काम है और शायद हनुमान टेम्पल भी चलेंगे। यहाँ पर शायद मिल जाएगी पंछी की जार, पंछी के दाने। टेम्पल पर देकर आते हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है भाई। बारिश के टाइम पे काफ़ी कीचड़ वगैरह हो जाता है यहाँ पर। जैसे हमारे पास में जो राम जी मंदिर है वहाँ पर ही देख कर आते हैं। आ गए फाइनली गाइस राम जी मंदिर है और यहाँ पर मस्त जार देते हैं फिलहाल। वो रख दिए पंछी के दाने हमने दे दिए थे, अब चलते हैं रेलवे स्टेशन। गाइस पंछी के दाने जो इसमें डालेंगे, कितना बड़ा बनाया गाइस पंछी पर। हाय गाय ये चेक करो सड़कों पर घूमने में से। हाँ जी तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम वो वाली लोकेशन पर, जिस वाली लोकेशन पर आप चाहते थे ब्लॉग की आए। फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं हम। फिलहाल चेक करते गाइस कहां तक काम पहुंचा और कहां तक नहीं, और क्या चल रहा है फिलहाल हमारे रेलवे स्टेशन में भाई, क्या नहीं। फिलहाल फिसलन भरी जगह है, थोड़ी संभल के निमित्त। ओके गाइस फिलहाल प्रिया जॉइंट हो गई है लगता है, और अभी फिलहाल चल रहा है जॉइंट होने का काम, मतलब जो यहाँ पर बीच में गैप रहा करती थी। तो हो गया एक दो और तीन पटरियाँ, आगे थोड़ा चल रहा है काम ज़्यादा। एंड यहाँ पर मस्त गाइस ये चेक करो मेटल डालकर पता नहीं क्या बनाएंगे बट आई डोंट नो। फिलहाल चलते गाइस आगे और चेक करते गाइस डेस्को, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर चलते हैं गाइस आगे। ये कितना ऊंचा होता है गाइस, लिटरली गाइस मेरे पैर से इतना तो हो गया ही, मतलब घुटनों तक इतना ऊंचा है भाई दोनों ही तरफ। एक खबर मिली है हमें कि दिवाली से पहले रेलवे स्टेशन का हमारा काम गाइस सारा ख़त्म हो जाएगा और ट्रेन गाइस दौड़ने लगेगी रेलवे स्टेशनों पर। तो ऐसी खबर सुनाई दी है हमें, अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे ब्लॉग पर आप जब जाओगे तब। तो
यहाँ तो कुछ लगता नहीं गाइज, आगे चलते हैं, बट आगे चल कर नहीं जा सकते, हमारी एक्टिवा लेकर ही चलते हैं। उस वाले जो वाइट देख रहे हो वहाँ पर ऑफिस जो है, मतलब कंट्रोल रूम गाइज, तो चेक करके आते गाइज कि कंट्रोल रूम का काम कब तक ख़त्म होगा और कहाँ तक पहुँचा है अभी तक। तो चलते हैं, चेक करते हैं इसको। यहाँ पर गाइज ज़्यादा नहीं चल सकते, चप्पल आपकी टूट सकती है, कंकड़ इतने बड़े बड़े हैं ना गाइज, मतलब मेटल के पत्थर जो है वो। फिलहाल एक्टिवा लेकर ही चलते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। इसको बेचारी चेक करो गाइस कैसे अकेले खड़ी है। एक मिनट, वो वाला मशीन भाई कौन सा है जो आ रहा है यहाँ तक भाई? यहाँ पर ही आ रहा है, पता नहीं कौन सा मशीन है, चेक करना पड़ेगा भाई। क्या कर रहे हो? ये वेल्डिंग कर रहे आप? नहीं, वो करता है। हाँ अच्छा, ऐसा क्या कर, आपको क्या काम करना है? मतलब ये पत्थर हटाना है, ये पत्थर हटा के ये सलीपाट सही में करना, क्लियर करना है ना? अच्छा भैया, क्या आपका नाम? कारू भाई। कारू भाई, आप यहाँ पर ही रहते हो कड़ी में? कहाँ? यूपी के? हाँ अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया भाई। मजदूरी आया है? हाँ मजदूरी के लिए। अच्छा, बहुत ही हार्ड वर्क होता है आपका भाई। कितने टाइम से काम कर रहे हो? टाइम तो बहुत हो गया, तो काम किया था मक्के और के लिए। हाँ तो कल आ जाए। अच्छा ऐसा, अब पता है कितना टाइम लगेगा ये सब पूरा होने में? तो नहीं मालूम, नहीं मालूम। हाँ ये लोग कह रहे थे कि दिवाली से पहले शायद खत्म हो जाएगा काम, पता नहीं। हाँ उनको नहीं पता होगा गाइस, बिकॉज ये तो यहाँ पर काम करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट से काम मिलता, मतलब काम सौंपा जाता है। तो जो वो है गाइस वो वेल्डिंग मशीन है, आगे चेक करके आता गाइस कैसे वेल्डिंग करते हैं भाई। ये रहा गाइस जो मशीन है, वेल्डिंग मशीन, ये वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन। ये दोनों जो अलग है उसे ज्वाइन करने का। हाँ अच्छा, लगता है बारिश के टाइम पर ढक रहा है वरना ख़राब हो जाएगा गाइस। बारिश में तो काम नहीं कर सकते है ना, खराब हो जाएगा ना। गाइस ये है वेल्डिंग मशीन, ये चेक करो काम चल रहा है। दूर दूर से लोग गाइस यहाँ पे काम करने आते हैं हमारे गुजरात में, ज़्यादातर तो लोग गाइस यूपी बिहार के ही होते हैं, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा काम नहीं मिलता ज़्यादा और इनकम मतलब सैलरी थोड़ी कम होती है, ऐसा सब सीन सुन होता है, तो इसीलिए शायद यहाँ पर आते होंगे, ऐसा सब होगा मुझे नहीं पता। वैसे हार्ड वर्क गाइस करते हैं ये लोग बाहर जाकर यहाँ पर। फिलहाल चलते हैं हमारी एक्टिवा लेकर आगे कंट्रोल रूम पर। ये चेक करो, में से गाइस नदी बहती है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, असली ढलान तो ये है। गाइस चलते हैं कंट्रोल रूम रेलवे स्टेशन के। कंट्रोल रूम फाइनली पहुंच गए थे हम, पीछे हमारी एक्टिवा पार्क कर दिया, ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो ऐसे। कंट्रोल रूम गाइस, कंट्रोल रूम फाइनली। उस वाले रूम में हम गए थे वहां पर चलते हैं, कौन सा रूम था, ये वाला था क्या, पता नहीं गाइस। कंट्रोल रूम, ये सारा कंट्रोल रूम ही है वैसे। चेक करिए गाइस कंट्रोल रूम के सब वायरिंग वगैरह हो गई है भाई। वैसे एलसीडी लगाने की बात कर रहे थे ये लोग, बट लगाया नहीं लगता एलसीडी। वायरिंग वगैरह अभी थोड़ा सा काम बाकी है गाइस, तो वो चल रहा है फिलहाल। ये चेक करो गाइस, नीचे भी वायरिंग वगैरह डल रही है भाई, नीचे यहाँ पे वायरिंग डल रही है। चेक करते हैं आगे और भी क्या क्या है। ये चेक करो गाइस, चेक करिए यहाँ पर भी वायरिंग का काम चल रहा है पूरा गाइस। कंट्रोल रूम शायद गाइस, ये लोग शायद गाइस यहाँ पर ही स्टे करते हैं काम करके, तो हाँ ये सब सीन सुन रहता होगा। वैसे वायरिंग चल रहा है ना काम। दिनेश जी तो खाना खुआ बनाने लग गया भाई। आप यहाँ पर ही रहते हो क्या? यहाँ पर ही रहते हो? अच्छा
काम करते हैं, कलर का काम करा है। ये सब कलर किसने करा? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। कहाँ से हो आप ऐसे? अहमदाबाद। अहमदाबाद से हो? अहमदाबाद ही रहता? कितने साल से अहमदाबाद रह रहे हो वैसे? बचपन से। बचपन से ही? बढ़िया भाई। काम अच्छा किया वैसे, कलर काम। यहाँ पर ही रहते हो क्या? अच्छा ऐसा, बढ़िया भाई। काम तो चल रहा है फिलहाल भाई, बारे भरकम काम तो यहाँ पर ही चल रहा है। सो बॉयज, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया है हमने रेलवे स्टेशन कड़ी का। फिलहाल चलते हैं, काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है। पता नहीं मैं ये कितनी बार बोल चुका हूँ, बट काम अभी चल रहा है। चलते फिलहाल, लेट्स गो। गाइस वो खड़ी हमारी कार, ये चेक करो गाइस, ये एक्सो गाइस, कितनी बहुत लग रही है। आ गया ट्रैफिक जाम, जाम कर गया गाइस। हम लोग पहुंच गए कड़ी के 400 साल पुराने हनुमान टेम्पल। तो फिलहाल करते गाइस मस्त दर्शन। इस हनुमान टेम्पल का पूरा ब्लॉग मैंने रखा ही है अलग से ही, तो आप चेक कर सकते हो। ओके तो फिलहाल गाइस मस्त अच्छे भी हनुमान टेम्पल हमने दर्शन कर लिए थे। चलते फिलहाल गाइस, शनिवार था तो मस्त दर्शन हो गए फिलहाल। एंड खाना हमेशा की तरह मम्मी ने रेडी कर दिया, टमाटर की सब्जी, खिचड़ी एंड भाकरी, खाया था मस्त खाना। हो गया तीसरा दिन एंड अभी एंड करने का टाइम मिला है, अभी एंड करा रह गया था भाई। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय।